माई नेम इज़ महेंद्र सिंह पंवार एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान जयपुर। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। मैंने काफ़ी सारे कम्पिटिशन्स में कम्पीट किया है। मैं मिस्टर जयपुर, मिस्टर राजस्थान 4 times रहा हूँ। मैंने मिस्टर इंडिया में 4th place सिक्योर किया था। जैसे बॉडी बिल्डिंग में मैं सक्सेस लेने लगा तो मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह ने भी अप्रोच किया। सो मैं कुछ ब्रांड्स के लिए फ़ोटोशूट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ये भी करना स्टार्ट किया मैंने। बट जैसे आप लोग जानते हैं कि शूट्स वगैरह में इनमें सब में लुक्स और आपकी बॉडी ये सब मैटर करती है। बॉडी मेरे पास नहीं, बट 2019 से मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। सो ट्रीटमेंट के बाद में भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिटनेस मॉडल्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और उन्होंने मुझे डॉक्टर सुनील अरोड़ा के बारे में बताया कि उनका क्लिनिक यहाँ LCS के नाम से है, जयपुर में है। मैंने उनके बारे में यूट्यूब वगैरह पर भी काफ़ी देखा और काफ़ी पढ़ा उनके बारे में भी। सो आई थॉट कि मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। सर ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से डेंसिटी गई हुई है मेरी, क्योंकि अपना कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम निकाल के अपना लुक चेंज कर दे। मुझे ये चाहिए कि क्या इसमें डेंसिटी अच्छी हो और डेंसिटी अच्छी हो पाए ताकि मेरा जो लुक था ना पहले वाला वापस से आ पाए। काफी कम हो गए मेरे ग्रास, ये काफी यहाँ से ये वाला एरिया जो मेरे को चाहिए ना, हेयरलाइन वगैरह सारा कुछ चाहिएगा। सो फाइनली मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी से मिल लिया हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्रांसप्लांट के बारे में। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के रिजल्ट्स भी देखे हैं। सो मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ। सो मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी ALCS आने वाला हूँ। सो फाइनली मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बुला लिया गया है। मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं। सो मिलते हैं अपन ट्रांसप्लांट के बीच में। थैंक गॉड कि क्या नाम से मैंने क्लिनिक सही सिलेक्शन किया है। ALCS जो है सही सिलेक्शन था कर। जो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है सर के सुपरविजन भी हो रहा है डॉक्टर सुनील अरोड़ा। ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस था पेनलेस रहा ही मेरे लिए। जैसा मैं सोच रहा था इनिशियली कि अनकॉन्शियस रहूँगा या ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, टीवी चल रहा था, मैं आराम से बात भी कर पा रहा था और म्यूज़िक भी सुन पा रहा था, टीवी देख भी पा रहा था। इवन आई कैन टॉक टू द डॉक्टर एज वेल, तो इट वॉज़ गुड। अब कल मेरा हेड वॉश का रहेगा। और अभी जो चीजें समझाई है सारी वो सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी मेरे को, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके। 15 डेज का मेडिसिन आ गया, समझा दिया विनय ने अच्छे से। आई गॉट इट। महेंद्र को जैसे हम देख रहे हैं, इनका जो आगे का हिस्सा था पूरा फ्रंट का इतना हिस्सा पूरा बॉल्ड हो गया था और यहाँ बिल्कुल बाल नहीं थे, और उसके साथ साथ जो इनके टेम्पोरल ट्रायंगल्स थे वो भी रिसीव कर गए थे। हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि पूरी एक एम शेप की नेचुरल हेयरलाइन बनाना, हेयरलाइन इस तरह से बनाना कि वो नेचुरल लगे, साथ में उसमें इस तरह की डेंसिटी हो जो कि देख के पता भी नहीं लगे कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो महेंद्र के लिए हमने जो प्लान किया था, प्रोसीजर को हमने प्लान किया था FUE से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके, और साथ में बियर्ड के ग्राफ्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड किए थे उसके अंदर, सो दैट फ्रंट एरिया में हम अच्छी डेंसिटी देते हैं और जो थोड़ा सेंट्रल एरिया है, टॉप एरिया है, उसमें डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज कर दें। जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं महेंद्र की हेयरलाइन बिल्कुल एक तरह से नेचुरल लुक दे रही है और हाई डेंसिटी लुक दे रही है। साथ में हमने जो टेम्पोरल एरिया है उसका भी डायरेक्शन का, एंगुलेशन का पूरा ध्यान रखते हुए नेचुरल लुक दिया है। दोनों तरफ प्रॉपर एक एम पैटर्न हेयरलाइन बनाई है। तो ये जो हेयर है ये जैसे नॉर्मल पहले बाल ग्रो करते थे वैसे ही ग्रो करते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं, और जो लुक भी है महेंद्र का वो पूरा हाई डेंसिटी वाला और नेचुरल लुक। सो आज 10 महीने बाद भी जब हम महेंद्र का डोनर एरिया देखते हैं तो बिल्कुल नेचुरल है, कहीं भी कोई स्कारिंग नहीं है, किसी भी तरह से किसी जिसे हम कहते हैं डेंसिटी कम हुई हो या डोनर एरिया डैमेज हुआ हो वो बिल्कुल भी नहीं है। हम जब चारों तरफ से ये सब देखते हैं तो इस साइड पे, पीछे सेंटर में और राइट साइड पे, हर तरफ डेंसिटी बिल्कुल एक जैसी मेंटेन है, कहीं पे भी कोई एक तरह से जिसे हम कहते हैं मेकआउट नहीं कर सकते कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इस एरिया से हमने ग्राफ्ट लिए हुए होंगे। और जब हम कॉम्ब फेयर के भी देखते हैं तो कोई भी एरिया इस तरह का हमें इस डोनर एरिया में नहीं मिलता है,
जहां पे कि बालों की डेंसिटी कम हुई हो या फिर कुछ किसी तरह की स्कारिंग हमें दिखती हो। सो ये एक जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और पंचेज हम यूज करते हैं FUE के दौरान, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स और मैग्निफिकेशन, उन सब चीजों का पर्पज ही यही होता है कि जब डोनर एरिया से बाल लें तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो सके विद मिनिमम डैमेज, जो बाल हमने निकाले हैं उनको भी मिनिमम डैमेज हो, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी मिनिमम डैमेज हो, सो दैट डोनर एरिया भी फाइनली 6 महीने बाद ऐसा लगे वो बिल्कुल विदाउट स्कारिंग हो या मिनिमम स्कारिंग के साथ हो, और ऐसा लगे कि जहां से कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया है और बिल्कुल नेचुरल लगे।